नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 11 दिसंबर 2019, समय 9:23:20 हो रहा है, और यहां पे हम लोग स्क्वीज मोमेंटम और स्विंग लो हाई वाली स्ट्रेटेजी से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। टाटा स्टील यानी मेटल सेक्टर में कुछ मूवमेंट लग रहा है दोस्तों, तो इसको एक बार देखेंगे टाटा स्टील को कि क्या पोजीशन इसमें स्विंग लो हाई और स्क्वीज लो स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर के जरिए क्या इसमें कोई ट्रेड बन रहा है हमारा या नहीं बन रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। अगर कोई मोमेंट होगा तो हम लोग इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, समय तो अभी हुआ नहीं है, अभी एंट्री लिया नहीं है, अभी देखता हूँ टाटा स्टील में चार्ट सही है ना, कुछ तो ठीक लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ की बात देख लेता हूँ, निफ्टी क्या चल रहा है। निफ्टी अभी रेजिस्टेंस है ऊपर, 11,900 का रेजिस्टेंस है इसके हिसाब से। चलिए, टाटा स्टील का एक स्टॉक्स सपोर्ट के ऊपर है ना, सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ पे बस ये मोमेंटम क्रिएट अगर हो जाए, एक छोटा स्टॉप लॉस 403 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम लोग इसको बाय करना चाहें, बस यहाँ पे ये बन रहा है, बनने की कोशिश करा रहा है। अगर ये बन जाता है यहाँ पे तो फिर हम लोग इसमें एक एंट्री लेंगे। ये स्विंग लो के हिसाब से ठीक है, स्विंग लो के हिसाब से ठीक है कि इसने जो है सपोर्ट के ऊपर ओपन हुआ है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक स्क्वीज मोमेंटम में भी एक ग्रीन सिग्नल चाहिए। अगर ये दोनों क्रिएट हो जाता है, सेम हो जाता है, तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है, फिर आराम से बन सकता है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है इसमें। अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर दोस्तों। मोमेंटम तो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, 5 मिनट के चार्ट पे मैं देख पा रहा हूं, तो ये तो ठीक है, नीचे आने की भी कोशिश कर रहा है तो। और ये स्क्वीज लो स्क्वीज मोमेंटम के हिसाब से भी ग्रीन इसने क्रिएट कर दिया है, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, 403 रुपये के एक स्टॉप लॉस के साथ हम लोग यहाँ पे बाय पोजिशन बनाएंगे और देखते हैं उसमें क्या हमारा रिजल्ट आता है। तो 403 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों, है ना, 200 क्वांटिटी, 402.85 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ हम लोगों ने बाय पोजिशन इसमें बना लिया है टाटा स्टील में। अगर ये स्टॉप लॉस काट देता है और 403 को नीचे चला आता है तो फिर एक रिवर्स का पोजीशन भी बन सकता है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 403 के पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसको यहाँ हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, 403 के पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा तो एक रिवर्स का पोजीशन भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अभी हम वेट करेंगे, देखते हैं क्या पोजीशन। अभी 70 का प्रॉफिट चल रहा है, 60 का प्रॉफिट चल रहा है। और टारगेट की बात कर लें तो टारगेट, पहला टारगेट तो देखिए ऊपर जो ये 407 वाला है ना, ये एक टारगेट होगा हमारा, ये एक टारगेट होगा 407.40 रुपये के आसपास का एक टारगेट है। दूसरा टारगेट ऊपर 409.50 रुपये के आसपास का आ रहा है, ये दो टारगेट हमारे चार्ट पर हैं, तो हम लोग अभी वेट करेंगे और इसको मेंटेन कर लेते हैं एक्सेल शीट पे आज का ट्रेड जो है। तो आज तारीख हो गया दोस्तों 11 तारीख, 11/12/2019 हम लोगों ने ट्रेड लिया है स्क्वीज लो और स्विंग लो हाई इंडिकेटर प्लस स्क्वीज मोमेंटम के हिसाब से टाटा स्टील में बाय पोजीशन बनाया है, और बाय का जो पोजीशन है वो हमने प्राइस लिया हुआ है 404.70 रुपये पर, तो हम लोग 404.70 रुपये पे इसको एंट्री प्राइस लिख देते हैं। अब एग्जिट कितना पे करते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं होता है, इसको सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। और समय जो हो रहा है वही 9:30:36 हो रहा है, तो वेट करते हैं दोस्तों हम लोग, है ना। अभी 80 का 100 का लॉस दिखा रहा है, और अगर रिवर्स पोजीशन बनाने की बात है तो साफ सुथरा रिवर्स कहाँ पे पोजीशन बनेगा, इसके नीचे, इस 403.35 रुपये के नीचे। हालांकि यहाँ पे हमें दोनों सिग्नल सेम होना चाहिए, उसके बाद ही पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। मोमेंटम पॉजिटिव होता जा रहा है, स्टॉक नीचे आता जा रहा है, तो ये बड़ी बात है, ये अपोजिट कर रहा है एक दूसरे का, तो हम लोगों ने बहुत छोटा स्टॉप लॉस बना हुआ है हम लोगों का, वेट करेंगे। 400-450 का लॉस बुक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वेट करेंगे हम लोग। तो अभी 90 का प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों, समय 9:34:20 हो रहा है, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके। वेट करते हैं
पहला टारगेट जैसा कि मार्क किया हुआ है हम लोगों ने 407 रुपये के आसपास, दूसरा टारगेट 409 रुपये 50 पैसे के आसपास। तो वहां पे देखते हैं 407 रुपये 50 पैसे के पास जाता है या नहीं जाता है। ये है हमारा चार्ट पे पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 409 रुपये के आसपास में जो जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, बस वही हम लोगों ने मार्क कर लिया है चार्ट पे भी। फिर बड़ा की बात करें, बड़ा और टारगेट की बात करें तो ऊपर ये तीसरा टारगेट होगा, यहाँ पे जो है स्विंग ऊपर का रेजिस्टेंस दिख रहा है 411 रुपये के आसपास का। तो एक लाइन आप 411 पे भी लगा सकते हैं यहाँ। तो देखते हैं कितना सा टारगेट अचीव होता है। अभी 120 का प्रॉफिट चल रहा है और वेट करते हैं स्विंग लो और हाई इंडिकेटर प्लस स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर से ट्रेड के लिए। जिन लोगों को अभी तक ये वीडियो नहीं देखा, आप लोग मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वाले प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। इस इंडिकेटर के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप उसे वहां पे देख भी सकते हैं। वेट करते हैं फिलहाल और अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, अभी 20 का प्रॉफिट में हूँ, वेट करते हैं। समय हो रहा है दोस्तों 9:42:03 और अभी 190 का लॉस दिखा रहा है और यहाँ भी हम लोग चेक करेंगे कि क्या हिसाब है। स्क्वीज लो बिल्कुल 403 की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ये 403 रुपये के पास मेरा जो स्टॉप लॉस है, मैंने राउंड फिगर में तो लगाता नहीं, तो 402.85 के पास मैंने रखा है स्टॉप लॉस को। मोमेंटम ठीक है और ये सपोर्ट भी है यहाँ पर, तो देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस कटेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाएंगे और फिर अगर दोबारा एंट्री का मौका मिलेगा या रिवर्स पोजीशन का मौका मिलेगा तो रिवर्स पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि जब इसके कहने पर हम लोग बाय कर सकते हैं तो इसके कहने पर सेल भी कर सकते हैं ना, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे और देखते हैं कितने का लॉस होके निकलता है, ज्यादा से ज्यादा कितना का लॉस होगा। 404.70, 402.85 यानी कि 2 रुपया का है ना, 2 रुपया भी नहीं है बल्कि 1 रुपया 15 पैसे 1 रुपया 85 पैसे का स्टॉप लॉस है, 1 रुपया 85 पैसे का स्टॉप लॉस। ज्यादा से ज्यादा 370 का लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा, लेकिन वेट करेंगे। अभी 80 का लॉस में हूं, वेट करते हैं देखते हैं कहां तक जाता है टाटा स्टील। मैंने आप लोगों को एक M&M फाइनेंस भी दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, और सॉरी M&M फाइनेंस दिया, M&M नहीं दिया है, M&M फाइनेंस 330 के नीचे, 330 के नीचे तो आया ही नहीं है, जिस वक्त दिया उसके बाद 330 को ब्रेक ही नहीं किया, लो लगाया इसने 335 का, इसने 330 5 का नहीं लगाया, 330 को ब्रेक ही नहीं किया। एक अदर स्टॉक्स भी दिया है मैंने और वो स्टॉक है, अच्छा ये तो टाटा स्टील है 407 के ऊपर बाइंग, हम लोग बनाएंगे सेफ पोजीशन में। तो वेट करेंगे टाटा स्टील के लिए, अभी क्या चल रहा है 80 का लॉस। रिकॉर्डिंग अभी दोस्तों पॉज करता हूँ, समय 9:44:57। तो दोस्तों समय हो रहा है 9:59:10 और 180 के लॉस में हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल बना हुआ हूँ इसके साथ, बिल्कुल अपने इसी सपोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करा। ब्रेक करेगा तो डाउनफॉल स्टार्ट करेगा नीचे की साइड में, फिर इसको 400 तक 400 तक इसको आ जाना चाहिए, यहाँ पे ये हिसाब है। लेकिन देखते हैं क्या हमारा स्टॉप लॉस कटता है या नहीं कटता है। 370 चाहूँ तो एक ही ट्रेड कर सकता हूँ, कोई टेंशन, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट है नहीं, मार्केट एक रेंज में ऊपर और नीचे ही कर रहा है ना, ज़्यादा कोई इसमें मूवमेंट अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। बिल्कुल देखिए रेजिस्टेंस लिए जा रहा है मार्केट, यहाँ से बिल्कुल रेजिस्टेंस ले रहा है, तो जब तक 11,910 को ऊपर ब्रेक ना कर देना निफ्टी, तब तक कोई मूवमेंट इसमें अपसाइड का तो नहीं दिख रहा है मुझे। 11,910 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो ही एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो वेट करेंगे, या तो हमारा स्टॉप लॉस ये काटे या फिर हमें प्रॉफिट देके जाए। अगर ये ऊपर जाता है तो ही बिल्कुल साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं, वेट करते हैं। इसके हिसाब से हम लोग को वेट करने बोल रहा है तो वेट करते हैं। मोमेंटम थोड़ा कम हो रहा है, आप इस बात पर ध्यान दीजिए, इसकी मोमेंटम धीरे धीरे लो हो रहा है, तो यहाँ से डाउनफॉल भी स्टार्ट हो सकता है, इस बात को भी नजर पे रखना पड़ेगा। तो वेट करेंगे हम लोग दोस्तों। स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, मोमेंट चेंज हो गया, 120 का भी प्रॉफिट दिखा रहा है,
और यहाँ से मोमेंट चेंज हो चुका है वापस से, देखिए तो काफी अच्छे तरीके से बिहेव। हम लोगों ने एक मिस किया, क्या पता है आपको, ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में, जस्ट डायल। मेरा लेवल भी था 555 के आसपास में, 555 के पास में जस्ट डायल का मेरा लेवल भी था 3 स्टार सेक्शन में, और आपने देखिए बिल्कुल उसी के पास से, ये पहली कैंडल है ना, उसी के पास से इसने मोमेंट बनाया, स्क्वीज मोमेंटम ने भी सिग्नल दिया, यहाँ सपोर्ट के ऊपर भी, स्विंग हाई के ऊपर भी ये चला, और वहां से देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट किया जस्ट डायल। यानी अगर इस पर मैं थोड़ा सा ध्यान दे देता तो जबरदस्त अभी तक हम लोगों का ट्रेड कंप्लीट हो चुका होता और हम लोग बाहर हो चुके होते प्रॉफिट लेके। लेकिन हो जाते हैं ऐसे सब कंडीशन, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे भी ठीक है, 210 चल रहा है अभी प्रॉफिट, कोई 270 चल रहा है टाटा स्टील में, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्क्वीज मोमेंट अगर कट करता है स्टॉप लॉस तो कट कर जाते, निकल जाते, कोई टेंशन नहीं। 407 रुपया का पहला टारगेट है इसका, देखिए इसने टारगेट अचीव करता या नहीं करता है। लेकिन इसमें जस्ट डायल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी तक में हम लोगों का ट्रेड कंप्लीट हो जाता, अगर जस्ट डायल में रहते तो अभी तक हम लोग स्थिर होकर बैठे रहते हैं ना। 320 का दोस्तों प्रॉफिट चल रहा है, पहला टारगेट की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, देखिए टाटा स्टील, और 407 रुपया 50 पैसे के आसपास का रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तो फिर 410 की तरफ जाएगा। मार्केट भी कुछ वैसे ही करने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी 11,910 के ऊपर अगर ये निकलता है, देखिए रेजिस्टेंस जो ले रहा है इसके ऊपर अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक रेजिस्टेंस को 11,920 के पास भी है ना, एक रेजिस्टेंस 11,920 के पास भी, इसको ब्रेक करेगा तो ही मोमेंट ऊपर की तरफ होगा। वेट करेंगे, टाटा स्टील में बिल्कुल बना हुआ हूँ हम लोग, कोई टेंशन नहीं है। 250 का प्रॉफिट, 230, एक हाई और लगा दे तो टारगेट ही अचीव हो जाता। वेट करते हैं, रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। लीजिए दोस्तों अब गाना भी सुनिए आप लोग, बगल में शादी है तो आवाज जा ही रही होगी, एंजॉय करिए गाने का भी और ट्रेड का भी। मोमेंटम देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हो रहा है ना, ये जो ग्रीन है ना, ये ग्रीन बनी हुई है, इसके वजह से ठीक है, अगर ये ब्लैक धीरे धीरे होने लग जाता है डीप तो थोड़ा मोमेंटम कम होने लगता है। लेकिन वेट करेंगे, अभी हमारा पोजिशन बना हुआ है, क्रिएट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये अगर अपने 407 को अगर ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वही थोड़ा उसका रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। 180 का फिलहाल तो प्रॉफिट है। अच्छा एक चीज और, आज ऑल पोजीशन तो मैं दिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि ऑल पोजीशन मैंने लिया ही नहीं, एओए टाटा स्टील है पहली बार। दूसरी बार जो आप लोग के सामने ही कर रहा हूँ, टाइम वाइज भी दिखाता ही जा रहा हूँ, 10:20। कुछ लोगों के दिमाग के अंदर कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा को मैं चाहता हूँ वो बना रहे, अच्छी बात है। तो आज देखता हूँ एक ही ट्रेड लिया है अभी टाटा स्टील को, बिल्कुल इसके जस्ट डायल पे थोड़ा सा अफसोस हो गया कि जस्ट डायल अगर पकड़ लेते, अगर ध्यान दे देते तो अभी तक में हम लोग निकल गए रहते, पैसा वैसा लेके मार्केट से जहाज उड़ के सब निकल गए। लेकिन कोई बात नहीं, सब चीज नजर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सब चीज को ध्यान में रखते हुए, कोई बात नहीं, बने हैं अभी भी टाटा स्टील में। देखिए इस मार्केट में कहा जाता है कि जिस स्टॉक्स को आप नहीं पकड़िएगा वही स्टॉक आपके नजर के सामने चल जाएगा, और आप देखिए उसका लाइव एग्जांपल जस्ट डायल नहीं पकड़ा, ये शानदार टारगेट डन करके भी निश्चिंत हो गया, सारे टारगेट टारगेट से भी ऊपर चला गया ना, और जिसको हम लोगों ने पकड़ा है वो टाटा स्टील को, अभी भी वो धीरे 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 वहीं पर। खैर कोई बात नहीं है, ऐसे चीजें होते रहती है, तो वेट करेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। समय अभी 10:21:23 हो रहा है, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के ट्रेडिंग, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के। वेट करते हैं दोस्तों, फिलहाल गाना सुनिए तब तक। दोस्तों एक ब्रेकआउट आते हुए 430 का प्रॉफिट, 420 का प्रॉफिट, समय 10:24:24 और 400 का प्रॉफिट हो गया, 420 का भी, 360-380 यानी जो टारगेट है पहला 407 रुपये 50 पैसे के पास जाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। एक 407 रुपया है, 407 रुपया ये जो रेजिस्टेंस है, एक छोटा रेजिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं, एक छोटा रेजिस्टेंस है 407, उसके बाद 407 50 है। तो देखिए सबसे पहले 407 को ब्रेक करता है या नहीं करता है, मोमेंटम तो ठीक है, यहाँ पे कोई मोमेंटम में कोई दिक्कत अभी फिलहाल नहीं आते हुए दिख रहा है मुझे, और देखते हैं क्या हिसाब निकलता है आता है। गाना सुनिए तब तक बगल से, है ना, गाने का एंजॉय लीजिए आप। अरे क्या डीजे लगाया जबरदस्त। वेट करते हैं दोस्तों हम लोग,
समय हो रहा है दोस्तों 10:39:48 और 60 का प्रॉफिट, 40 का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट कम होता जा रहा है कंटिन्यू। यहाँ से आप देख रहे हैं मोमेंट कम होता जा रहा है टाटा स्टील का, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बना हुआ हूँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। 370 का लॉस लेने के लिए मैं रेडी हूँ, है ना। 370 का लॉस लेने के लिए मैं रेडी हूँ। मैं पहले से लिख देता हूँ 370 का लॉस, मैं आप लोगों के सामने पहले से लिख देता हूँ। अगर ये लॉस में नहीं कटा तो आके फिर इसको मेंटेन करूंगा, अगर ये लॉस में कटा तो 370 का लॉस होगा। ये मैं अभी पहले ही आपके सामने लिख दे रहा हूं कि मैं 370 का लॉस आज कटेगा मेरा, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूं इसके हिसाब से। अभी फिलहाल नीचे आ रहा है, लेकिन हालांकि अभी लॉस में हूं नहीं, प्रॉफिट में हूं, लेकिन अगर लॉस कटेगा तो 370 का ही लॉस कटेगा, ठीक है, उससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकता। तो वेट कर रहे अभी हम लोग, मैंने पहले ही मेंटेन कर दिया, मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने लॉस ले लिया है 370 का। अभी मैं थोड़ा अपना दूसरा टर्मिनल पर हूं, इस वजह से यहां पे कंटिन्यू रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो अभी मैं मिलूंगा तब जब या तो स्टॉप लॉस कट जाएगा उसके बाद, है ना, या टारगेट आ जाएगा तब। तब तक के लिए दोस्तों रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं। तो दोस्तों समय पहले देख लीजिए 11:03:52 हो रहा है और इसने लो लगाया 402.75 का। मैंने 402.85 पे स्टॉप लॉस रखा था, स्टॉप लॉस काट दिया और उसके हिसाब से जो है हमें 370 का लॉस बुक हुआ है। 402.85 पे एग्जिट हुआ है ना। तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ कैलकुलेटर किधर गया, यहाँ है इसका देखिए। 404.70 -402.85, 1.85 का रिस्क हमारा 200 क्वांटिटी, तो 370 का हमने लॉस बुक कर लिया दोस्तों, जो मैंने नोट किया था। तो ये आज का ओवरऑल टाटा स्टील में मेरा लॉस बुक हुआ 370 का। अगर कोई रिवर्स ट्रेड लिया अगर तो मैं फिर आपको अपडेट करूंगा, अदरवाइज ये मेरा लास्ट है। अगर लिया तो ही अपडेट करूंगा, नहीं तो ये लास्ट ट्रेड है, मतलब पहला और अंतिम। और 370 का लॉस मैंने यहाँ पे बुक कर लिया आज, कल प्रॉफिट लिया 1230 का, आज 370 का लॉस बुक किया। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा कि कहा था कि अगर कोई पोजीशन बनाऊंगा तो फिर अपडेट करूंगा आपको। तो 11:13:37 हो रहा है, यूपीएल में दोस्तों एक पोजीशन बनाया मैंने, यूपीएल में 150 क्वांटिटी का पोजीशन बनाया। यहाँ पे देखिए ये हालांकि साइडवेज है और यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव स्क्वीज मोमेंटम बन चुका है और साथ में यहाँ एक सपोर्ट है इसके नीचे, इसी सपोर्ट के पास से ये अपने आप को माने स्विंग लो है, ये स्विंग लो के पास से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, साथ में स्क्वीज मोमेंटम, ये दोनों पॉजिटिव चीजें एक साथ दिखे तो मैंने पोजीशन बनाया दोस्तों 554.30 के आसपास में, 150 क्वांटिटी मैंने पोजीशन बनाया। इसमें मैं कुछ और क्वांटिटी अगर होगा तो मैं ऐड करूंगा, या ऐड भी कर सकता हूँ, तो ऐड कर लेता हूँ 200.552 का भी स्टॉप लॉस रखता हूँ फिलहाल और इसको मैं ऐड करता हूँ। 552 का स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस हमारा ये जो सपोर्ट है कितना रहा है 552 के आसपास ही है, तो 552 के आसपास ही मैंने रखा है फिलहाल, यहाँ पे मैंने पोजीशन क्रिएट किया है। इसमें 35 क्वांटिटी और मैं ऐड करूँगा 551.85 के भाव पे, मैं इसको और 35 क्वांटिटी अलग अलग ताकि मैं प्रॉफिट बीच बीच में बुक करता रहूँ, तो टोटल 220 क्वांटिटी हो गया। अब बात करते हैं इसके टारगेट की, ठीक है, इसके टारगेट की। तो पहले 557 पे मैंने आप लोगों को पोजीशन बनाने के लिए दिया है, तो जाहिर सी बात है पहला टारगेट हमारा 557 हो जाएगा, लेकिन इसके हिसाब से स्विंग हाई के हिसाब से, स्विंग लो पे हम लोगों का पोजीशन हुआ, स्विंग हाई के हिसाब से इसको आना चाहिए कहाँ पर, इसको आना चाहिए यहाँ, ये जो स्विंग हाई है यानी 561 के आसपास में, 561 के आसपास में, या राउंड फिगर की बात करें तो 560 के पास में इसको आना चाहिए। तो टोटल 220 क्वांटिटी अलग अलग लिया है मैंने ऑर्डर, और 561 देखिए एक टारगेट यहाँ मैंने 561 के पास, इसको राउंड फिगर 560 भी कर सकता हूँ, 560 के पास मैंने यहाँ पे रखा है। तो वेट करेंगे, देखते हैं जो 370 का लॉस कटा है क्या ये हमें कवर करके देता है या कवर करके नहीं देता है। बिल्कुल साइडवेज है, एक रेंज में फंसा हुआ है, तो वेट करेंगे हम लोग 561 के टारगेट के लिए। यहाँ से 560 के टारगेट, यहाँ से लगभग 6 पॉइंट का टारगेट आने के एस्पेक्ट, अगर 6 पॉइंट भी जाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट में निकल सकते हैं हम लोग। तो वेट करेंगे दोस्तों अभी, है ना, रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:59:24 और अभी 52 का प्रॉफिट में हूँ यूपीएल में, यानी टाटा स्टील के बाद। टाटा स्टील में जो 370 का लॉस लिया इसने,
नीचे 400 तक का लो लगाया। हालांकि टाटा स्टील में भी अगर आप चाहते और सॉरी मैं चाहता तो यहाँ पे एक रिवर्स पोजीशन बनाया जा सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। टाटा स्टील का ये देखिए, यहाँ से आप देख रहे हैं ये स्विंग लो जो है इसका, इसको ब्रेक किया, नीचे सेल का भी स्क्वीज मोमेंटम में था, ब्रेक करने के बाद 400 तक का टारगेट होना था क्योंकि नीचे एक स्विंग लो फिर से सपोर्ट है, तो यहाँ तक आके वापस बाउंस बैक कर रहा है। लेकिन चूंकि रेंज छोटा है इसकी वजह से मैंने इसको ट्रेड नहीं किया। यूपीएल को मैंने देखा है, हालांकि यूपीएल अभी साइडवेज है इस हिसाब से, तो लेकिन वेट करेंगे एक बार। ये रेजिस्टेंस जो है इसका अगर चार्ट पर दिख रहा है तो 556 के आसपास का एक रेजिस्टेंस, इसको अगर ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा, फिर वेट करेंगे क्या होता है। अभी समय हो रहा है पूरा का पूरा 12 बज गया है 25 सेकेंड हो रहा है, रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। तो दोस्तों समय हो रहा है वापस देख लिए 12:03:44 और 217 का प्रॉफिट चल रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये रेजिस्टेंस जो है 556 का जो मैंने लगाया है इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, इसको ब्रेक करेगा तो 557 फिर 560 का टारगेट हो सकता है। वो किसके लिए हो सकता है, किस वजह से हो सकता है, बिल्कुल ये स्विंग लो हाई इंडिकेटर प्लस स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर के थ्रू। यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ से स्विंग लो से इसने अप स्टार्ट किया है, यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, हम लोगों ने यहाँ पोजिशन बनाया और अभी पहला रेजिस्टेंस इसी का है 557, फिर लेवल भी एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ जो प्रीवियस आप देख रहे हैं ना, ये वाला प्रीवियस 561 के आसपास यहाँ तक इसको आना चाहिए, तो वेट करते हैं कि वहाँ तक जाता है या नहीं जाता है। अभी फिलहाल 200 के आसपास का प्रॉफिट है, रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 12:25, दिखा देता हूँ समय 12:25:59 यानी 12:26 हो गया, 63 का प्रॉफिट, 8 का प्रॉफिट, 12,556 को बहरहाल ये ब्रेक नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बहुत ही हेवी रेजिस्टेंस साबित हो रहा है। 556 रुपये का जो रेजिस्टेंस लगाया कर रखा है मैंने, हालांकि रेजिस्टेंस 557 होगा फिर 560 होगा, लेकिन नियर में 556 भी ये ब्रेक करने में इसको दिक्कत हो रही है, और उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बने रहेंगे। क्या गाना लगाया इन लोगों ने, बहुत बढ़िया गाना है, वाह शादी है बगल में। देखते हैं कहाँ जाता है, बिल्कुल साइडवेज है और एक रेजिस्टेंस भी है, वेट करते हैं फिलहाल। टेंशन नहीं लेना है, आराम से रहिए, देखते हैं। अभी 80 का लॉस में हूँ, इसको ब्रेक करे एक बार, 200 समथिंग का प्रॉफिट हो रहा था लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, काफी ज्यादा रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ से। तो दोस्तों समय हो रहा है 1:11:28 और देखिए अभी 554.41 पे जो पोजीशन बनाया है और अभी चल रहा है 120 का प्रॉफिट। तो देखता हूँ जो हमारा लॉस हुआ है टाटा स्टील में क्या वो कवर होता है, सेम इंडिकेटर सेम स्ट्रेटजी सेम पोजिशन के हिसाब से क्या हम लोग सक्सेस होते हैं। बिल्कुल यहाँ रेंज है 556 का, इसने देखिए छोटा सा एक 555.75 यानी 556 राउंड फिगर में मान सकते हैं, 556 का एक इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया नियर में। अगर इसको ये ब्रेक करेगा दोस्तों ना तो ही एक अच्छा पोजीशन आपको मिल सकता है देखने को हम लोगों को चार्ट पर, अदरवाइज हम लोग लॉस काट के निकल सकते हैं। कोई बात नहीं, वेट करेंगे, इतना देर वेट किया और वेट कर लेंगे, आज थोड़ा लंबा चल रहा है। जस्ट डायल हम लोग मिस कर गए तो देखिए जस्ट डायल ने सारा काम करके निश्चिंत गए, उससे में ट्रेड करते तो हम लोग पहले ही निकल जाते हैं ना, लेकिन कोई बात नहीं, सब चीज़ पे नज़र रखना इम्पॉसिबल होता है, असंभव होता है, तो हम वेट करेंगे दोस्तों। चलिए इंतजार करते हैं, अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। तो दोस्तों अभी देखिए 30 रुपये का प्रॉफिट बचा है, कोई बात नहीं है, हम लोग बने हुए हैं, बिल्कुल शादी विवाह का माहौल है, बहुत ही अच्छे अच्छे गाना बजा रहा है यहाँ बगल में, इंजॉय करिए, कोई टेंशन नहीं है। तेरे रस के कमर होता है या मेरे, मुझे पता नहीं, मैं ध्यान में नहीं है मुझे ना। हाँ बजाया गाना इसने, बजा बजा, कौन सा गाना है भाई, तेरे रश के कमर, कौन सा गाना बजा रहा है ये,
मजा आ गया देखते ही। अरे ऐसा सफर कौन गाना लगा दिया इसने? गाना लगाए तो कुछ मजा आए। चलो पांच, चलो तुम भी तो चलो यार, 554 रुपया 55 पैसा पटक गया जाके। चलो मजा आ गया, मजा आ गया, करो साडी गली विच आया, करो जी गली 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 विच आना, करो जी गली। चलिए देखते हैं, 555 का भी प्राइस है, 555 पाँच, क्या ब्रेकआउट मिलता है या नहीं मिलता है, इस चीज़ को देखेंगे हम लोग। बिल्कुल स्विंग लो और हाई वाले इंडिकेटर प्लस स्क्वीज लो, स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर के हिसाब से। अगर आप लोगों अभी तक अब उस स्ट्रेटेजी को या उस इंडिकेटर को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के प्लेलिस्ट में, और आप वहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ कंटिन्यू हर चीज़ों, तो आप उसे देख सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ को आप वहाँ पे देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा, आप आराम से देखिए और समझिए कि कैसे ट्रेड होता है, कैसे उसको यूज़ करना चाहिए, आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, चल रहे हैं, बने हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोग एकदम बने हुए हैं। 151 का प्रॉफिट अभी चल रहा है। ये कौन सा गाना लगा दे रहा है लोग, लीजिए तेरे रस के कमल, एक 62,217। चलो 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 ऊपर झटका दो यार। देखते ही देखते क्या हो गया, चलो चलो और चलो 555-40 का प्राइस, चलो एक झटका ऊपर लगाओ तो मजा आ जाए, फिर एक झटका ऊपर लगाओ। चलो 217 217 217 217 228 228 217, मार दे झटका एक बार, मार दे। अरे बाप रे बाप, इतना साउंड, ओ नॉइज हो रहा है दोस्तों अभी यहाँ पे ज्यादा, है ना, इसके लिए सॉरी। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बगल में शादी का घर है तो वहाँ लगाया हुआ है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी कोई गलती नहीं, इस गाने में मेरी कोई गलती नहीं। 217 चलो चलो ऊपर मारो, रुक गया। चल भाई चल चल चल, गाना भी ब्रेकआउट दे रहा दोस्तों, 283। चलो 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 ब्रेकआउट मार, 560 62 सब ब्रेक हो जाना चाहिए, 300 300 300 300 305 305 ब्रेकआउट दे रहा दोस्तों, एकदम एकदम मजे में रहिए। 305 चलो, ब्रेकआउट की कोशिश, अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं दोस्तों, और चलिए ब्रेकआउट दे रहा है, हाँ ब्रेकआउट हो चुका है दोस्तों, शाबाश शाबाश शाबाश, 500 का प्रॉफिट, शाबाश, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, मजे में। चलो चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो भाई मेरा, चलो ऊपर चलो, दो टारगेट दो, 557 58 सब ब्रेक मारो, 565 लगाओ। चलो वेट करते हैं दोस्तों, आ जाएगा टारगेट, ब्रेक ब्रेक हुआ है, चलिए वेट करते हैं। भागेगा तो बहुत तेजी से भागेगा कि आपको प्रॉफिट बुक करने का भी मौका नहीं देगा मेरे ख्याल से, इतना तेज भागेगा ये, वापस उसी रेंज में आ गया है। कोशिश करते हैं हम लोग, कोशिश हम लोग क्या करेंगे, जो करेगा वही करेगा, हम लोग सिर्फ वॉच कर सकते हैं अपने लेवल पर। जज डायल आज ने नज़र से हट गया, तो देखिए क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस जज डायल ने किया, कोई बात नहीं।
दो ट्रेड हो गए स्क्वीज मोमेंटम के हिसाब से और स्विंग लो हाई के हिसाब से। पहला टाटा स्टील 370 का लॉस खाया, दूसरा ट्रेड यूपीएल लिया है और वो आपके सामने चल रहा है, कवर हो चुका है। वेट करेंगे हम लोग, वेट करेंगे। चल भाई चल, 56 56 56, चल। देखिए ये ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं, वेट करते हैं। गाना सुनिए तब तक, क्या कर सकते हैं, गाना ही सुनना है। देखिए क्या होता है इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। हाँ, 300 ब्रेक कर रहा है, 555 को ब्रेक कर रहा है, 56 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, 305 का प्रॉफिट हुआ है। देखते हैं, चलिए ब्रेकआउट दे रहा है 556 को ब्रेक कर रहा है, 338 का प्रॉफिट, 338 340 340। देखते हैं क्या निकल के इसका आता है हिसाब। दो ब्रेकआउट मारो मारो, ब्रेकआउट निकालो निकालो निकालो, जल्दी निकालो। 316 316 316 316 316 317 37 38 38 38 38 38 40 50 50 50 558 के ऊपर तो मैंने बाय पोजीशन भी दिया है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, वो लेवल भी एक्टिवेट हो जाएगा अगर ये 558 अगर ब्रेक कर देता है तो, बहुत अच्छे तरीके से फिर ये लेवल देखने को मिल सकता है। सिस्टम चार्ट पर आ जाएगा, ब्रेक हो रहा है 404 का प्रॉफिट, गजब। अब लगता है परफॉर्मेंस पकड़ा। चल भाई चल, दे ब्रेकआउट, दे 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 450 350 350। चल एक बार चल भाई चल, चलो 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 ऊपर की तरफ। 415 415 415 426 360 360 437। चलो मारो, 558 ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी से भागेगा दोस्तों, अगर पाँच, लेकिन 558 ब्रेक करने में भी अभी 1.5 रुपये का डिफरेंस है ना, तो उसको देखते हैं ये ब्रेक करता है या नहीं करता है। 558 558 के बाद तो लेवल भी एक्टिवेट हो जाएगा, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दिया है ना, 562 के टारगेट के लिए। मेरा भी वही टारगेट होगा 562 रखूंगी, स्विंग लो हाई में भी वही रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ऊपर साइड में। चल 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 चल, एक ब्रेकआउट दो, झटका मार मार मार, तो दिखा दे जलवा मेरे रस के कमर। चलो भाई हाँ गजब हो गया, लेवल एक्टिवेट हो गया है 557 595 का नहीं, 5 पैसे से लेवल एक्टिवेट होने से बचा है, 558 के ऊपर बनेगा, 640 का प्रॉफिट हो गया, 640 558 के ऊपर निकलेगा तो तेज मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, 5 पैसे से बचा हुआ है अभी हमारा वो लेवल एक्टिवेट होने से, जो टेलीग्राम पे मैंने अपने हिसाब से दिया है। बाकी स्विंग लो और हाई के हिसाब से हम लोग बने हुए हैं और स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर से। चल 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 चल, एक झटका दे, एकदम क्रूशियल लेवल पे है, एक झटका और लगा दे तो मजा आ जाए। चल शाबाश बहादुर, बहुत अच्छा दिखा रहे हो जलवा, दिखाओ 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 जलवा दिखाओ जलवा दिखाओ। हाँ शाबाश, 57 मारो, 613 का प्रॉफिट, अरे 1140 1400 1400 1400, शाबाश, ये मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया। तो दोस्तों देखा आपने क्या जबरदस्त मूवमेंट, 562 का हाई लगा दिया इसने, जबरदस्त तरीके का सारा सपो स्विंग लो हाई वाला हिसाब से इसने हमारा टारगेट डन कर दिया और अब ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है बहुत तेजी से, जैसे ऊपर भागा तो कुछ क्वांटिटी तो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लूँगा, यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने 61 3 पॉइंट नीचे प्रॉफिट बुक हुआ हमारा, कोई बात नहीं। और इसके अलावा जो 25 क्वांटिटी है इसका मैं पहले स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा, चलिए। और इस
35 क्वांटिटी का मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, 558.50 पे रख देता हूं। चलिए, और इस 50 क्वांटिटी का भी मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, कर लिया, ऊपर जा रहा है, जाने दिया जाए, मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा 560 पर। ठीक है, यानी 150 क्वांटिटी मैंने निकाल दिया दोस्तों, और अभी जो है 70 क्वांटिटी बचा हुआ है, 70 को मैं ट्रेल कर लूंगा, 1200 का प्रॉफिट चल रहा है, तो ये ठीक ठाक गया, बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट किया, माइंड ब्लोइंग हो गया। तो जो लॉस हुआ था दोस्तों, वो लॉस कवर हो गया हमारा, कहाँ गया ये टाटा स्टील का जो 370 का लॉस खाया था स्विंग लो हाई वाला स्ट्रेटेजी से, वो लॉस कवर हो गया, सॉरी। और यहाँ पे देखिए इसने ज़बरदस्त मूवमेंट है ना, इसका अगर मैं चाहूँ तो 35 क्वांटिटी और मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, इस 35 क्वांटिटी का, सिर्फ 35 क्वांटिटी को मैं छोड़ दूंगा और इसका स्टॉप लॉस मैं ट्रेल कर लूँगा। तो चलिए 1000 का प्रॉफिट मैं यहाँ पे मेंटेन कर देता हूँ इसको सीट पर, जो बाय किया है 554.41 पर बाय किया है, 554.41 पे 11 तारीख 12वां महीना 2019 UPL को हम लोगों ने बाय किया 554.41 पर, 554.41 पे, और एग्जिट 560 के आसपास का रखता हूँ, है ना, 560 ही है ना, तो यहाँ से 560 पे हम लोगों ने एग्जिट किया, तो अभी हमारा चल रहा है प्रॉफिट 1100 के आसपास का, तो 1055 का हमने प्रॉफिट यहाँ पे लॉक कर लिया। ठीक है, 1055 का प्रॉफिट लॉक है। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो 1055 का प्रॉफिट मैं अभी यहाँ पे मेंटेन करके रखता हूँ, और ओवरऑल सॉरी यही प्रॉफिट हमारा होगा 1055 का, या 1000 कर देता हूँ राउंड फिगर, 1000 कर देता हूँ कोई दिन, क्योंकि अभी मैंने एग्जिट किया नहीं है ना इस 35 क्वांटिटी से, तो मैं बचा हुआ हूँ, तो मैं 1000 लिख देता हूँ राउंड फिगर में, आप लोगों की संतुष्टि के लिए थोड़ा कम ही कर देता हूँ, हालांकि ज़्यादा है लेकिन मैं कम करके लिख देता हूँ, ठीक है ना, 1000 का राउंड फिगर में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी है दोस्तों ऑलरेडी, तो इस वजह से जो है रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, 35 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस ट्रेल करके छोड़ दिया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर से मैं देखा दिखा देता हूँ 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट, और ये मैंने UPL में बाय पोजिशन, ये काम अपना हो गया। तो इस तरह से स्विंग लो और हाई इंडिकेटर के हिसाब से, साथ ही स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर के हिसाब से जो सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ उसके हिसाब से हम लोगों ने काम किया। टाटा स्टील में हमारा लॉस कटा, जैसा कि आपने देखा टाटा स्टील में एकदम लॉस कट गया हमारा, पर हम लोगों ने जो है उसको कवर कर लिया आके UPL में। तो चलिए मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।